नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज आप फिर से हाजिर हूँ। तो बहुत से भाइयों का कमेंट था कि मेरा जो है डाटा केबल जल्दी ख़राब हो जाता है, स्लो चार्ज ले रहा है कुछ दिन के बाद, मतलब नया फ़ोन लिए तो कुछ दिन के बाद स्लो चार्ज होने लगता है और छोड़ता पकड़ता है। तो बहुत सारा कमेंट इस पर आ रहा था दोस्तों, तो आज इसी पर हम बात करते हैं। दोस्तों, जो भी 4-5 मिनट का ये वीडियो होगा दोस्तों, इसको देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी किसी को हेल्प हो। तो जो भी 4-5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा टाइम देकर देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा ही, ठीक है, ये मेरा भी गारंटी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर मतलब फ़ोन में क्या आता है बीमारी कि चार्ज छोड़ता पकड़ता है, चार्ज स्लो लेता है, चार्ज लेता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बीमारी आता है दोस्तों, और होता है क्या कि दोस्तों, जैसे ये चार्जर जो चार्जर है दोस्तों, इसमें बीमारी नहीं आता है, ये चार्जर का जल्दी बीमारी नहीं आता है। बीमारी अक्सर आता है दोस्तों कि ये डाटा केबल का आता है दोस्तों, ये डाटा केबल का जो है ये पिन में प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो है आपका स्लो चार्ज लेगा, छोड़े पकड़ेगा। मतलब फ़ोन में जैसे ये डाल रहे हैं दोस्तों, फोन में डाल रहे हैं तो ये हल्का ऊपर करना पड़ता है, नीचे करना पड़ता है। तो ये सबका समाधान जो है आज इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई कीपैड फ़ोन है, ठीक है, और अगर देखिए हम छोटा से बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, और लास्ट का एक दो स्टेप आपके लिए वेरी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि उसमें जो है ये सबसे नॉर्मल से नहीं होगा तो लास्ट में वो आप कीजिएगा 100% हो जाएगा दोस्तों। तो अगर होता क्या दोस्तों, आपके पास कीपैड वगैरह अगर फ़ोन है या फ़ोन जो भी हो फोन, ठीक है, तो आप जो है मान लीजिए ये आपका डाटा केबल इस जगह से ख़राब हो जाता है दोस्तों, ये ठीक, अगर यहाँ से ख़राब होता है दोस्तों, तो आपको भी मार्केट से भी आप जो है तार ला के ये आप चेंज करके आप मतलब काम हो जाएगा आपका, यहाँ से काट दिए, ठीक है। और जैसे मैंने देखिए दोस्तों, ये किया है मैंने, ठीक है, इससे जो क्या करेंगे कि यहाँ से काट देंगे, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस जो है जोड़ के आपका जो काम हो जाएगा। जैसे दोस्तों जैसे देखते हैं, ये काट दिए और इसमें जो भी प्लस माइनस का है, इसका प्लस माइनस देख के दोस्तों कर देंगे तो आपका जो है चार्ज होने लगेगा। मगर ये चार्ज तो होगा दोस्तों, मगर अब जो एंड्रॉयड फ़ोन है बहुत सारा दोस्तों, जो भी लगभग एंड्रॉयड फ़ोन है दोस्तों, उसमें लगाएंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेट चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होगा। चार्ज तो होगा बट पता चलेगा कि मतलब 30 मिनट में जो है ना दोस्तों, आपका 5-7 मिनट बढ़ा है, ऐसा कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। अगर कीपैड फ़ोन है तो फिर दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन है तो नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, रेड तो रेड में होगा दोस्तों, और एक इसमें काला रहता है तो वाइट रहता है, तो वाइट या काला जो है एक में तार टूटेगा। बहुत में होता है क्या दोस्तों, इसमें चार तार होता है दोस्तों, तो चार तार में आपको रेड तो होगा ही 100% रेड को ले लेना है, उसके बाद जो है माइनस की जगह जो है आपका वाइट को यूज करता है, नहीं तो ब्लैक यूज करता है, तो बस प्लस माइनस देख के आप जोड़ देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका चार्ज होने लगेगा। हाँ, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है दोस्तों, तो एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ आपको टिप्स बताते हैं दोस्तों, जो आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपका क्या होता है कि छोड़ता पकड़ता है, ठीक, अगर छोड़ पकड़ रहा है दोस्तों, तो इसमें दो रीज़न है दोस्तों। होता क्या है कि इसके अंदर जो दोस्तों पिन है दोस्तों, आपको शायद दिख रहा होगा, इसके अंदर जो है पिन रहता है 5, ठीक है, बताते हैं दोस्तों, ये आपका पिन रहता है, एक मिनट दोस्तों लाइन पे रहेगा। दोस्तों देखिए, ये 5 पिन रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 5 पिन रहता है इसके अंदर, और इस ये जो है यानी कि एक प्लस, इसका कोई प्लस एक माइनस रहता है, ठीक है, इसके अनुसार से। तो मेन जो है दोस्तों, यही दोनों का काम रहता है चार्ज करने में, ठीक है। आजकल एंड्रॉयड पिन में भी तीनों का काम रहता है, मगर ये देखिए दोस्तों, अगर ख़राब होता है, अगर डैम्प मारता है हल्का सा भी, मतलब क्या होता है कि इसमें गंदगी आ जाता है, तो अधिकतर गंदा किस में आता है, एक प्लस एक माइनस में, क्योंकि वोल्ट तो उसी से गुजरता है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम आता है, इसको ठीक कैसे करेंगे। तो दोस्तों, और मेरा दोस्तों ये आजमाया हुआ है, और हम करते ही हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको हम जो है ऐसे बता रहे हैं, ये कोई बात नहीं, और करके देखिएगा, आपका नहीं ठीक हुआ तो बोलिएगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी अगर ऐसा कोई बात हो जो नहीं हो रहा है तो कमेंट करें, आपको हम जहाँ तक होगा जरूर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है दोस्तों, इसके जो पत्ती है दोस्तों, तो उसको जो ब्लेड से साफ करना पड़ता है, ठीक है। अब ब्लेड देखिए दोस्तों, इसको घुस नहीं रहा है दोस्तों, तो इसको जो है हम बराबर से काटना पड़ेगा। तो काटेंगे कैसे वो बताते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, कोई भी ब्लेड ले लिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये कोई ब्लेड ले लिए और इसको जो है यहाँ से काटते हैं, ठीक है, यहाँ से काट दिया मैंने। और देखिए दोस्तों, इसको जो है इधर से जो इधर से करके तोड़ देते हैं थोड़ा सा, ये जो हल्का झुका झुक गया दोस्तों, ठीक है, उसके दोस्तों इसको जो है आप पेट्रोल से जो है हल्का साफ कर लेंगे, उसके बाद जो है ये ब्लेड से जो है दोस्तों, इसको जो देखिए साइज़ तो नहीं, साइज़ थोड़ा बड़ा है दोस्तों, इसको थोड़ा और काटना पड़ेगा, तो इसको फिर थोड़ा सा और काटना पड़ेगा, तो ये लीजिए मैंने काट दिया,
ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों ऐसे घुसा के दोस्तों इसको इस टाइप से करेंगे तो आपका ये साफ़ होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं दोस्तों, जैसे ये है, इसके अंदर का खोल के बताते हैं आपको क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर प्लस माइनस है दोस्तों, ठीक। और देखिए दोस्तों, ये आपका होता क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो है, देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है दोस्तों पाँच गो, ठीक है, इसी में क्या होता है कि बीमारी मतलब जंग बढ़ जाता है दोस्तों, गंदा हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसको बस ऐसे जो है, बस ये लगा हुआ दोस्तों, तो इसको बस ऐसे करना है तो साफ़ होगा ये, ठीक है दोस्तों, ये साफ़ होगा तो आपका ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर वो सब करने के बाद भी अगर जो है मतलब छोड़े पकड़े चार्ज या स्लो लें तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ना पिन दोस्तों, ठीक है, इसको हल्का सा दाब देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे ये कोई भी पिन हो, जैसे ये भी पिन है, ठीक है दोस्तों, इसको हल्का सा दाबना है, ठीक है दोस्तों। हल्का सा जो है दाब दीजिएगा दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, जो ये पिन घुसेगा दोस्तों वो जो है हल्का टाइट हो जाएगा दोस्तों, ये जो है हल्का टाइट हो जाएगा तो दोस्तों उससे भी आपका जो है ये बीमारी समस्या समाधान हो सकता है दोस्तों, हो ही जाएगा। तो दो स्टेप जान गए दोस्तों, सबसे पहले इसको दाबना, उसके बाद आपको ब्लेड से साफ़ करना, ठीक है दोस्तों। और तीसरा होता है क्या दोस्तों, मतलब किसी चीज़ का होता है क्या दोस्तों, कि ये जो पिन होता है दोस्तों, अंदर पिन जो होता है दोस्तों, वो पूरा नीचे दबा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो वो पूरा नीचे दबा जाता है, तो आपको एकदम पतला सा कोई चीज़ देना है दोस्तों, क्योंकि पतला सा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट है दोस्तों, इधर वाला फर्स्ट और ये लास्ट दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट जो है प्लस माइनस होता है दोस्तों, तो और फर्स्ट एंड लास्ट ही जो है दोस्तों आपका जो है ख़राब होता है, ठीक है, बीच में ख़राब नहीं होता। इसको अंदर घुसा के पिन को देख लेना अच्छा दोस्तों, और इसको हल्का उठा देना है, इसको भी और ये लास्ट वाला को भी दोस्तों, तो आपका जो है ये काम जो है अच्छा दोस्तों करने लगेगा। अगर ये सब हो गया दोस्तों, फिर भी हल्का स्लो या ठीक हुआ मगर हल्का हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ दोस्तों, तो आप देखिए आपका उसके बाद जो है आप क्या करेंगे दोस्तों, मोबाइल का, ठीक है दोस्तों, मोबाइल का दोस्तों मतलब आप ये देखेंगे कि किसका जो है गैप ज़्यादा खाली है। ये जो आपका टेढ़ा किया हुआ दोस्तों, ये इधर से दोस्तों आप इधर से भी आप यहाँ से साफ़ कर दीजिए दोस्तों, काट के ऐसे पूरा अच्छा से साफ़ कर दीजिए दोस्तों, आपको ये गारंटी है दोस्तों 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों मैंने भी बहुत तक किया है दोस्तों और करता ही हूँ दोस्तों, ये होगा 110%। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर टेक्नोलॉजी संबंधित और भी ऐसा कुछ बात हो तो हमें कमेंट करें, जहाँ तक हो सके मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग।